वीनस प्लाईवुड प्राइवेट लिमिटेड के मालिक एडवोकेट नरेश कुमार खन्ना अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में जा विराजे थे, जिनकी आत्मिक शांति के लिए रस्म उठाला श्री गीता मंदिर मॉडल टाउन में संपन्न हुआ। आए हुए पंडितों व संत महापुरुषों ने एडवोकेट नरेश कुमार खन्ना की आत्मिक शांति के लिए पाठ पढ़ उनकी जीवनी पर प्रकाश डाल श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, विधायक बाबा हेनरी, पूर्व सीपीएस केडी भंडारी, पूर्व विधायक सरबजीत सिंह मक्कड़, उद्योगपति बलराम कपूर, बलराज कपूर, नरेश तिवारी, अश्विनी खोसला पप्पू, पुनीत खोसला, करण खोसला, अरविंद घई, साहिल भारी, अश्विनी सेठ, धीरज सेठ, शानू कुमार, सुभाष सूद, गुरुचरण सिंह चन्नी, निपुण जैन, सुशील जैन, डॉक्टर जशन कपूर, एमडी बाली, अमित कुकरेचा, करण बजाज, पनेसर सिंह, जगजीत सिंह कंबोज, निजी खन्ना, विजय खुल्लर, सौरभ खुल्लर, संदीप शुक्ला, बांकीलाल पुरी, नरेश मल्होत्रा, आशु सिंगला, श्यामलाल चड्डा, डॉक्टर पवन गुप्ता, एडवोकेट गुलशन शर्मा, प्रिंस अशोक ग्रोवर, एडवोकेट दर्शन सिंह, इंद्रजीत दयाल, एडवोकेट हरमन दयाल, अवकीरत दयाल, नवदीप तिवारी, मनदीप तिवारी, मुकेश खोसला और परिवार के सदस्यों में नीलू खन्ना, निशांत खन्ना, मनीषा खन्ना, नितिन खन्ना, रितिका खन्ना, सुशील खन्ना, सुलक्षणा खन्ना, रजनी खन्ना, राजेश खन्ना, रोजी खन्ना, डॉक्टर संजय खन्ना, गीता खन्ना, राधिका सेठ, जुगल सेठ, सुमन थापर, कमल थापर, मधु भंडारी, विनोद भंडारी, डिम्पी कहर, दीपक कहर, मुनीश खन्ना, शिखा खन्ना, पीयूष खन्ना, रिया खन्ना सहित धार्मिक, राजनीतिक, व्यापारिक और सामाजिक वर्ग से जुड़े सैकड़ों लोगों ने एडवोकेट स्वर्गीय नरेश कुमार खन्ना को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। एक वट वृक्ष बन चुका है, एक साम्राज्य बन चुका है और उसके पीछे खन्ना जी, तिवारी जी, गुप्ता जी और इनके परिवार के सभी सदस्यों की अपार मेहनत, संस्कार और ईमानदारी पर चलने की उनकी जो इच्छा थी वही इसके लिए जिम्मेवार है। मृतभाषी खन्ना जी हमेशा उन मूल्यों पर अपने जीवन का निर्वाह करते रहे जो हमारे शास्त्रों ने हमें दिया है, जो हमारे श्रद्धे महर्षि दयानंद जी ने दिया है। तो आज उन्हीं मूल्यों पर चलते हुए उनके सुपुत्र उनके कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज हम इस प्रार्थना सभा में उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे मध्य में एक बहुत ही आर्य जगत की महान विभूति आचार्य आर्य नरेश जी उनके जीवन पर प्रकाश डालने के लिए और उस पुण्य आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए विशेष तौर पर उपस्थित हुए हैं। कि जैसे एक खरबूजा पूरी सुगंध देकर पूरा पककर अपनी डाली से अलग हो जाता है, हम भी संसार में सुगंध फैलाते हुए पूर्ण आयु भोगकर जो कि भगवान ने हमें दी है जीवेन श्रद्धा शतम, कम से कम 100 वर्ष की आयु सबके लिए उसको भोग कर और बड़े शांति के साथ श्रद्धा के साथ उस प्रभु के अमृत रस का पान करते हुए उसकी शरण में चले जाएं। ये इस मंत्र का अर्थ है जो हमें शिक्षा दे रहा है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। हम सब इस समय समादरणीय स्वर्गीय श्री नरेश कुमार जी की प्रार्थना श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित है। वो एक बहुत ही अच्छे इंसान, कहना चाहिए कि उनका अनुकरण करने योग्य शांत स्वभाव, समय बिताने का सौभाग्य पाया है। वो जानता है कि उन पलों की अहमियत क्या है। हमने भी अपने दादाजी साथ बहुत समय बिताया है। दादाजी हमें काफी चीजें दिखाया करते थे।
हम हर शाम दादाजी साथ बैठकर टीवी देखा करते थे। दादूजी को बच्चों से बहुत प्यार था। उन्होंने हमें कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। वे हमारी हर छोटी से छोटी मांग हमारे बिना बोले ही पूरी कर देते थे। तो एक बेटी पास में खड़ी जिसकी आंख नहीं है, मैं शब्द सुनकर हैरान हो गया। वो कहने लगी अपने उसके बहन जी, इनको कहना हमें भी कुछ उपदेश करें। उसने मेरी शक्ल नहीं देखी, मेरी पगड़ी नहीं देखी, मेरे कपड़े नहीं देखे, बिना सब कुछ देखे कैसे कह दिया कि हमें उपदेश करें, बताइए। पर मैं उनको उपदेश ना करूं, क्या उन बच्चों को भगवान अपने से दूर कर देगा? इसलिए भगवान ने कहा, मैं निराकार हूं, न तस्य प्रतिमा अस्ति, मैं हर व्यक्ति को प्राप्त हूं, मेरी कोई प्रतिमा नहीं है। और सच्चाई है, ब्रह्मा शिव राम कृष्ण दयानंद नानक सबकी प्रतिमाएं मिलती हैं, पर ओम की कोई प्रतिमा नहीं मिलती।